लव सेक्स और धोखा का एक मामला जमुनानगर में सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर शादी का जानसा देकर रेप करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए धर पकड़ शुरू कर दी है। महिला थाना में एप्लीकेशन दी थी और सुमित शर्मा की गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने मेरे से बात वगैरह करी, उनका मेरा रिलेशन था, सिर्फ शादी का झांसा दिया उन्होंने और शादी का झांसा दे के ब्रेकअप करके उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया मुझे। मेरी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी, मेरे 3-4 मंथ के रिलेशन के बीच हुई। कंप्लेंट प्राप्त हुई थी वैशाली नाम से लड़की ने दी है, जो वर्कशॉप यमुनानगर की रहने वाली है। उसने एलिगेशन लगाया है कि एक सचिन शर्मा नाम का लड़का है जो फेब 2018 से उससे रिलेशनशिप में थी, उनकी मुलाकात फेसबुक पे हुई थी, जो उसको शादी का झांसा करते हुए उसका यौन शोषण करता रहा। तो अभी उसने फिर शादी से मना कर दिया, तो उसने अभी कंप्लेन मूव की है, हमने केस दर्ज कर लिया है। ये 376 IPC के तहत 506 IPC।